हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियोग व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो शुरुआत हो रही है सुबह सुबह घर के कुछ कामों से और शाम का खाने बनने की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे बना है महाप्रसाद का खाना, तो यहाँ पे खीर बनके रेडी हो चुकी है और मैं भी सोचा तैयार हो लेती हूँ। तो शाम को मैं रेडी हो गई हूँ इस तरीके से जन्माष्टमी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधे पल्ले की साड़ी पहनी जाए, थोड़ा सा अलग लुक लगेगा। इससे पहले मैंने कभी भी सीधे पल्ले की ऐसी साड़ी पहनी नहीं है, तो सोचा कुछ अच्छा लुक लग रहा है। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है और लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, अब मैं चलती हूँ किचन में, कुछ ना तैयारियाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाई है थाली जिसमें पूजा के लिए जाएंगे। और हमारे यहाँ पे ना इस तरीके का ये भी पार्ट जो होता है ना, इसको लगाया जाता है जो कि पूजा करते हैं, और नया लगाया जाता है। पहले पुराना लगा था, तो मैं यहाँ पर नया वाला लगा रही हूँ। और इसका लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ठाकुर जी भी बिठाते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। तो जन्माष्टमी की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रही थी कि कुछ लोग 6 को मना रहे हैं, कुछ लोग 7 को मना रहे हैं, तो हम लोग 6 को मना रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों झूले हमारे तैयार हो चुके हैं और कान्हा जी भी बैठने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थोड़े बहुत से फूल लगा रही हूँ झूले में, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर हम कान्हा जी को इस पर बिठाएंगे। और यहाँ पे माला वगैरह भी रख दी हैं। आप लोगों की कैसी पूजा होती है कॉमेंट ज़रूर करके बताना। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो भी प्रसाद में बनता है वो सब भी बन चुका है। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ अभी बिठा दूँ या बाद में। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली है, आरती भी हो चुकी है। अब भगवान जी की बारी आती है केक कट करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनकी केक कट करवाएंगे, जो कि मावे से बनी हुई है, घर पे बनाई हुई है। तो हमने दोनों भगवान जी से केक कट करवाई। फिर ना मैंने यहाँ पे भगवान जी ने केक कट कर दिया, अब मैं झुला रही हूँ उनको झूला, थोड़ा सा झूला झुलाया दोनों भगवान जी को। हमारे पास दो भगवान जी, एक छोटे से एक बड़े से। तो यहाँ पर झूला झुलाने के बाद ना मैंने उनको थोड़ा सा केक खिलाया, और यहाँ पे छोटा मोटा हमने हवन भी किया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा। जन्माष्टमी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।